आज की हमारी सर्दियों की मशहूर सौगात गजरेला तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको नसीम खिलजी के किचन में खुश आमदीद। मैं आप सबको सर्दियों की मशहूर सौगात गजरेला बनाना सिखाऊंगी, जो सबसे आसान तरीका होगा। किचन में लेके जाती हूँ, मैं आपको गाजर की क्वालिटी बताती हूँ, जो सबसे ज़्यादा अच्छी गजरेला बनाने में। ये देखिए, ये गाजर है, इसके अंदर से आपको ना रेड लेना चाहिए, सब्ज़ हरा नहीं होना चाहिए, इसमें भी हरा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी ये गाजर, ये ठीक है, ये वाली, इसका जायका अच्छा होता है, गजरेला अच्छा बनता है। अब मैं आपको इसको कश करके भी दिखाऊंगी। पहले आपने ऐसे करना है, अगर बीच में से गाजर सही ना निकले ना तो उसको ऐसे कर लिया करो, तो बीच जो अंदर वाला जो है ना गाजर का पीला पानी हरा पानी वो नहीं इसमें डाल। ठीक हो गया, ये देखो मैंने आपने करके दिखा दिया ना, ये देख बिल्कुल साफ है। ये गाजरें 5 किलो हैं, इसकी क्वालिटी के बारे में बताती हूँ मैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों को जूस बना के पिलाएं, आँखों के लिए भी फायदेमंद है। और गाजरेला बनाएं आसान तरीके से बनाएं। अब आज मैं आपको आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। 1 किलो चीनी है, ये बादाम ऊपर से मैं इनके छिलके उतार लूँगी गर्म पानी के साथ, और ये इलायची है, और 4 किलो दूध है। सबसे आसान तरीका ये। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके ये मैंने गाजर इस कढ़ाई में डाल दी है, ये इसमें जल्दी पानी खुशक हो जाएगा। पहले मैंने इसका पानी खुशक करना है, नरम हो जाएंगी पानी के अंदर, उसके बाद फिर मैंने 4 किलो दूध डालना है इसके अंदर। जब इसके बाद पानी खुशक होने वाला होगा ना बिल्कुल, फिर इसमें बाद में चीनी जाएगी, इलायचियाँ जाएगी, चूल्हे की लो तेज करनी है आपने फुल। ये देखिए 5 किलो गाजरें थी ना, अब ये काफी पानी खुश्क हो गया इसका, थोड़ा सा मैं अब और करूंगी। थोड़ा सा और करूँगी ना, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूध डालना है इसके अंदर, फिर मैं आपको डाल के दिखाऊँगी ना। यही तो इसका एक क्वालिटी है, गाजर आसान बनाने का तरीका जो है ना सबसे ज़्यादा। आप इसको लगातार हिलाना है ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी खुशक हो, छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो ये लग जाएगा नीचे। बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है, तो
ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए अब इसके अंदर पानी नहीं रहा, खुशक हो गया काफ़ी। अब इसके अंदर मैं 4 किलो दूध डालूंगी। अब हमने इसको खुशक करना है। ये पकेगा इस दूध के अंदर, चीनी नहीं डालनी इसके साथ, मैं चीनी डालूंगी इसके अंदर। जब ये पानी दूध बिल्कुल खुशक हो जाएगा उसके बाद चीनी डालूंगी, फिर चीनी का पानी खुशक करूंगी, फिर देखना इसका जायका कैसे आता है बगैर खोए से। अब इधर देखो, मैं अगर बादाम पहले से ना भिगोए हो ना तो आपने इसमें पानी गर्म करना है। ये चल बादाम लेने हैं, इनकी जो नुकड़ी होती है ना ये वाली, ये थोड़ी सी काट दिया करो, छीलने में आसानी होती है। इसके अंदर डाल दूँगी, पानी गर्म हो जाएगा ना इसका, तो मैं चूल्हा बंद कर देना। ये इलायची है, 2 इलायची मैंने इसके ना घी के अंदर बंगाल के लिए रखनी, बाकी इसके अंदर पीस के डाल देनी है। ये इलायची है जो ये मैं ना घी के अंदर फ्राई करूँगी, 2 इलायची वो, जब मैं इसकी पानी खुशक हो जाएगा चीनी डालूँगी उस टाइम पर, और इनका पाउडर बना के ना इन इलायचियों को इसके अंदर डालूंगी मैं, ताकि ग्रेले गाजरों के अंदर दूध के अंदर इसकी खुशबू मिक्स हो जाए। ये देखिए इसका पानी हो गया ना गर्म, अब ये चूल्हा बंद कर दूंगी मैं। ये देखिए अब इसका दूध है ना काफ़ी खुशक हो गया है, चमचा मुसलसल लगता मारते रहे ना वहाँ से। ये देखो शहरों में मैंने लगे नहीं दिया, ऐसे जगह पे नहीं लगाना ना, नीचे लगा दी। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ, एक दफ़ा थोड़ी सी बचा लेती हूँ, जितना मीठा रखना होगा ना फिर बाद में कर लेंगे मुकम्मल। सारा मैंने इसलिए नहीं डाला कि गाजरें मीठी होती है ना। ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये देखो इसका दाँत दूध खुशक हो गया है ना, सैरों पर लगा कहीं पर ना नीचे लगा, और इसमें मैं चीनी डाल दूँगी, कुछ मैंने बचा दी मैं चीनी डाल दी, इसमें पिसा हुआ पाउडर भी डाल रही हूँ। अच्छा एक और बात आपको बताती हूँ, जो मैंने जो बादाम इसमें डालने हैं ना गार्निश के लिए, वो अगर असल में आप रात को भी लिया करो, अगर ना भी दीजिए ना तो जैसे मैंने आपको पहले बताया पानी गर्म करना है, इसके अंदर ये बादाम डालनी है, आसानी से हो गया ना। ये आपका आसान तरीका है फौरी तौर पे जल्दी से अगर आपने करना होगा।
ये देखो इतना मैंने घी इसमें डालना है। घी कोई सा भी डालो, कोई भी देसी डाल लो, डाटा डाल लो, कुकी लाइन नहीं डालना, कुकी लाइन तो किसी तो मीठे की ना वो जायका नहीं पता। ये छोटी इलायची डाल दी, थोड़ा सा पक गया ना, घी भी पक गया पहले और इलायची भी पक गई। अब इसके अंदर डाल देंगे ये देखो अब हमारा गजरेला तैयार होने जा रहे हैं। इसमें है बिल्कुल भी पानी नहीं है, दूध भी नहीं है, चीनी का पानी नहीं है, दूध का भी कोई बिल्कुल खुशक हो गया, ड्राई हो गया। देखो नज़र आ रहा ना पानी, दूध कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बस 5 मिनट करूँगी इसकी कसाई, इसको बना के ना अच्छे तरीके से 1 हफ्ता 10 दिन ही खा सकते हैं, ख़राब नहीं होने वाला। ये जब मैं रेसिपी बना रही हूँ ना बहुत मज़े की बनी है, इसमें पड़े डालने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई करिए अपने घर के अंदर। आपको मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, तो मेरी रेसिपी कैसी बनी है। ये देखिए गाजर के अंदर तक का पानी खुश हो गया, ये देखिए ये नज़र आ रहा है ना, ये तो ज़्यादा होता है जिसे पानी होता है ना उसका ज़्यादा नहीं बनता, वो ख़राब भी जल्दी होता है, 2 दिन से ऊपर नहीं जाता। इसको आप 10 दिन 15 दिन रख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं खराब है। हमारी डिश तैयार हो गई है। आपको ये डिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली अगली नई रेसिपी सबसे पहले आपको पहुँचे। बादाम डालने हैं और ढक के रख देने हैं। अब ये देखिए ऐसे निकल गई है, ये आसानी से हो गया ना।